नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन हैकर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जिन कोविड ड्रॉप्स के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सारे वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, जिन कोविड ड्रॉप्स बच्चों का एक मल्टी विटामिन टॉनिक है, जिन कोविड ड्रॉप्स का इस्तेमाल बच्चों के शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए किया जाता है। जिन कोविड ड्रॉप्स बच्चों के अंदर पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है जिससे उनका जो स्वास्थ्य होता है वो सही रहता है। छोटे बच्चे दूध के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, इसलिए उनको एक ऐसे टॉनिक की ज़रूरत होती है जिससे बच्चों के शरीर को पूरा पोषण मिले, उनका शारीरिक और मानसिक विकास सही ढंग से हो, उनके अंदर रोगों से लड़ने की ताकत हो। जिन कोविड ड्रॉप्स से बच्चों को सारे ही पोषक तत्व मिल जाते हैं जिससे उनका स्वाद जो होता है वो सही रहता है। इस ड्रॉप्स को बनाने के लिए जिन साल्ट का यूज़ किया गया है उनके नाम है विटामिन D3, विटामिन A, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन E, जिंक, कार्बोहाइड्रेट, एस्क्रोबिक एसिड, डी पेंथोल, इन सारे साल्ट का उपयोग इस ड्रॉप्स में किया गया है। इस ड्रॉप का इस्तेमाल करने से पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। इससे खून की कमी, विटामिन D3 की कमी, हड्डियों की कमजोरी, विटामिन B3 की कमी, आँखों के रोग, दस्त, मांसपेशियों की कमजोरी, इन सारे रोगों को ये जो ड्रॉप्स है ये दूर करता है। इससे बच्चों का संपूर्ण शारीरिक विकास सही ढंग से होता है। हमें डॉक्टर से परामर्श लेकर बच्चों के लिए कोई ना कोई मल्टी विटामिन टॉनिक जरूर ही लगाना चाहिए जिनसे बच्चों का जो शारीरिक विकास है वो सही ढंग से हो। इस ड्रॉप्स को इस्तेमाल करने से पहले कुछ सावधानियों का जानना आपको जरूरी है। दोस्तों, इस ड्रॉप्स का इस्तेमाल डॉक्टर से परामर्श लेकर ही आप बच्चों को कराएं। इसका ओवरडोज बच्चों को बिल्कुल भी ना दें। इसके साथ किसी और मल्टीविटामिन टॉनिक का इस्तेमाल ना करें, इससे ओवरडोज हो जाएगा। जब भी आप मार्केट से इस तरह का कोई ड्रॉप्स लाएं तो उसकी एक्सपायरी डेट जरूर ही चेक कर लें। मुझे आशा है कि आपको जिन कोविड ड्रॉप्स के बारे में मैंने जो भी जानकारी दी आपको अच्छी लगी होगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें ताकि आने वाले सारे वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।